हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना विजय ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अपने मायके से अपने ससुराल में आ चुकी हूँ। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया, मैंने फ़ोन उठाया ही नहीं क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और अब हमारा यहाँ से जाने का बारी आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग अपने घर जाने वाले, यानी गुजरात जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। और मैं सब अपना पैकिंग कर रही हूं, सारे बैग रखी हूं, इधर मैं अपने कपड़े रखी हूं, सब मुझे अभी पैक करने हैं। ये कपड़े रखी हूं, सब मुझे पैक करने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी पैकिंग कर लूं, क्योंकि मुझे हम सब लोग को, मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे सब सुबह 7 बजे ही निकल जाएंगे। और हमारा बनारस से फ्लाइट है 2 बजे का, तो हम लोग इसलिए सुबह निकलना है, तो सब काम आज ही हमको करना पड़ेगा। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, घर की सारी चीज़ें रख भी ली हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये सोफे पे सब गादी लगी हुई थी, सब हमने रख दिया। इस पर भी बहुत सारे सामान थे, सब हमने रख दिया। और भी बहुत सारे सामान थे जो हम लोग रख के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो बाहर रखेंगे तो सारे सामान खराब हो जाएंगे, इसलिए हम लोग सारे सामान रख के जाते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अब हमारे जाने का टाइम हो चुका है और हमने सब पैकिंग वैकिंग कर लिया, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और सब लोग रेडी भी हो गए। हम अपने घर को कैसे करके जाते हैं, फिर आते हैं, तो फिर हमको शुरुआत से सब करना पड़ता है, फिर रख के जाना पड़ता है। तो आप लोग देखो, ये हम बेड को किस इस तरह से कवर करके जाते हैं, गद्दे को, और सब सामान हमने रख दिया। कोई भी सामान आपको नहीं दिखेगा। ये हमारे सारे बैग हैं जो हमने रेडी कर लिया है, बस उठाना है और चले जाना है। सब कुछ खाली हो गया है। और ये मेरी स्कूटी जो मैं आपके साथ अपने पहले वाले ब्लॉग में शेयर की हूँ, तो आप लोग देखना। ये मेरी स्कूटी जो इस तरह से हमने कवर करके रख दिया है। और मैं दिखाती हूँ दूसरे रूम में। चलिए चलते हैं। चलो चलो, ये मम्मी पापा का रूम है, जो इसको भी बेड को इस तरह से हमने प्लास्टिक से कवर कर दिया और उसके ऊपर वजन रख दिया, क्योंकि जब हम लोग चले जाते हैं तो कोई रहता नहीं, तो चूहे सारे गद्दे काट देते हैं, ख़राब हो जाता है। कई बार तो चूहों ने आतंक मचा ही देते हैं। फिर सब सामान हम लोग अच्छे से कवर करके, उसको वजन रख के दबा के, और एक ये बेड है उसको भी ढक के, सब हम लोग अच्छी तरह से ढक वक के फिर वहाँ से निकलते हैं। देखो, घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। कितना हम लोग जाते हैं तो इतना चहल पहल हो जाता है, जब हम लोग निकलने वाले रहते हैं तो पूरा घर एकदम खाली खाली लगने लगता है, अजीब सा फीलिंग आने लगती है घर से। फिर हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही स्कूल है, तो उसमें प्रेयर हो रहा था, तो उसकी आवाज़ आ रही थी। क्यों? फिर हम लोग रास्ते में एक जगह होटल पे रुके। हम लोग सुबह में सिर्फ चाय कॉफ़ी पी के निकले हुए थे, तो बच्चे थे, उनको भूख लगी थी, हमको भी भूख लगी थी, तो वहाँ पे हम लोग रुक के उस होटल पे हमने कुछ चाय नाश्ता किया। वहाँ पे हमने चाट खाया, चाट बहुत ही टेस्टी था। फिर बच्चों ने ये मैंगो शेक पिया, वो भी बहुत टेस्टी था। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर यहाँ पे मेरा लड़का कुछ बोल रहा था, तो उसके चेहरे का हम लोग देख रहे थे चेहरे की तरफ, वो कुछ ऐसा बोला कि हम लोग एकदम चौंक गए। फिर ये रहा होटल जहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया, बहुत ही टेस्टी था। फिर वहाँ से हम लोग फूल मस्ती करते हुए वहाँ से
निकल गए मम्मा, और बहुत ही फिर यहाँ पे मेरा बेटा बहुत मस्ती कर रहा था, उसको एयरपोर्ट नहीं बोलने आ रहा था तो एयरपोर्ट को न जाने क्या बोल रहा था। तो मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।